आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार आईपीएल में कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आईपीएल की नीलामी में बड़े महंगे दाम में खरीदा गया था, लेकिन इनका प्रदर्शन देखकर सभी दर्शकों को बहुत हैरानी हो रही है। लेकिन आज हम सनराइजर्स हैदराबाद की उस बल्लेबाज के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें नीलामी में 11 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, लेकिन इन्होंने इस साल बहुत ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन किया है। आइए आपको बताते हैं, आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने खिलाड़ी मनीष पांडे को 11 करोड़ रुपए में खरीदा था। लेकिन हम आपको बता दें कि मनीष पांडे ने 6 मैच खेलते हुए सिर्फ 88 रन बनाए हैं और इस साल के सबसे बड़े फ्लॉप खिलाड़ी माने गए हैं। इसी कारण वश टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक अब इन्हें खरीदने के बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खिलाड़ी मनीष पांडे हैदराबाद के सबसे धाकड़ बल्लेबाजों में से एक हैं और अब की बार इनका बल्ला इस साल नहीं चल रहा है, जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा है। हैदराबाद पॉइंट टेबल के निचले पायदान पर आ गई है और यदि हैदराबाद का ऐसा ही प्रदर्शन चलता रहा तो वे टॉप 4 में जगह नहीं बना पाएगी। न्यूज अपडेट की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।